प्रेम शुक्ला, बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर कि आप जन आक्रोश के दबाव में ये सब कर रहे हैं, वरना जितना करना चाहिए था उससे अभी आपने उतना किया ही नहीं। प्रेम शुक्ला, नहीं, आदरणीय पंडित जी का अपना मूल्यांकन हो सकता है, उनको मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है। प्रियंका जी, आऊंगा। आतंक पीड़ित जो है, आतंक के खिलाफ इसी तरह से उनके मन में जो है तत्काल कार्रवाई का भाव होना अत्यंत स्वाभाविक है। ये देश आतंक पीड़ित के रूप में है, लेकिन मैं भाई सुशील जी से ये इस बात का जो मुझे मेरी इस बात से वो भी सहमत होंगे कि हम 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक पूरी व्यवस्था को मंत्र किए बैठे थे। वो व्यवस्था जो है, जब वहां से हमला होता था, हेमराज का सिर कट के जाता था, तो नॉन स्टेट एक्टर और जो है स्टेट एक्टर के हम उसमें जो है बहस करते बैठ रहे थे और मंत्रियों के से इस तरह के बयान आ रहे थे। आज एक को मारा तो 10 को मारेंगे, ये प्रारंभ किया गया है। आज ये कि हम उनको आतंकवादी देश के रूप में उनको घेराबंदी करेंगे, ये प्रारंभ किया गया है। पाकिस्तान कोई आज आतंकवादी देश नहीं हो गया ना, भारत के खिलाफ उसका ओके। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है आपकी बात पर, ठीक है। प्रेम शुक्ला, प्रियंका बोन तोड़ेंगे, उस पर बलूचिस्तान का मामला उठाएंगे और उसको हम जो है आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करेंगे, ये संकल्प तो मुझे लगता है। जेडी वकील साहब, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। प्रियंका, मैं बस दो चीज़ें क्विकली कहना चाहूँगी। बहुत कम टाइम होता है जब मैं पंडित जी की बात पे हम अग्री करते हैं, पर आज मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने सार्क को लेकर बात की होती। अगर आज हमने कही होती, कांग्रेस के पक्ष के तरफ से रखा होता, तो हम पे आरोप लगते कि इसमें भी समर्थन नहीं है। आज सुशील पंडित जी जो आकर कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात, इन्होंने फिर से कहा यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने, आतंक देश को हमने आतंक देश की तरह उनको घेरा है। मैं तो सब फिर से उनसे सवाल उठाऊंगी, आतंक देश आप उनको किस हिसाब से कह सकते हैं जब आप खुद ही उसको पार्लियामेंट में पास होने नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी को कि आप ही किसी का बार बार 70 साल का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको सुन लिया है। देखिए गौरव जी, ऐसा है, दूसरी बात, ये बार बार 70 साल की बात करते हैं, ये 70 साल 2014 में गौरव जी, आप इनसे कह लीजिए बात कर लो। मैं तकलीफ है टोका टाकी करने की, सुनने की तो सहन शक्ति ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ पे। 70 साल का बार बार बात आपने 2014 में उठाई, आपने क्या क्या देश की जनता को वादा किया। आज जो सुशील पंडित जी जिस लहजे में आज बात कर रहे हैं, वो आप ही के एक वोटर थे। आज जब वो कह रहे हैं कि आपकी जो नीतियां हैं, आपको उस पर समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आपके साथ समर्थक थे आज आपसे खफा है। चलिए, जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आपके पास प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला आया है, ये महबूबा मुफ्ती जी कह रही है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस बेनकाब। चलिए, कांग्रेस बेनकाब नहीं है, लेकिन जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें रिएक्शन लूंगा मैं प्रेम शुक्ला से, लेकिन जीडी बख्शी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात उनकी हो जाए, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूँ। देखिए, देश में इस वक्त जो बेचैनी है वो स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा देश में आक्रोश है और सरकार उस आक्रोश से अच्छी तरह उसका वो परिचित है और पूरा देश जानना चाहता है कि विलंब क्यों है। देखिए, मैं एक और भी चीज़ लेकिन कहूँगा एक सैनिक इतिहासकार की दृष्टि से कि 1971 में मार्च में पाकिस्तान ने सारा ये बम फोड़ा था हमारे ऊपर, उन्होंने क्रैकडाउन किया था बांग्लादेश में और 6 मिलियन रेफ्यूजीज भारत में धकेल के अपनी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बनाई थी। उस वक्त भी मार्च में मैडम इंदिरा गांधी ने सेना को कहा था कि कार्रवाई करे, लेकिन सेना ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें समय दिया जाए और 8 महीने बाद कार्रवाई हुई थी। लेकिन वो जो कार्रवाई हुई
उसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, अगर सेना को तैयारी का मौका चाहिए ठीक है, लेकिन जितना आप विलंब करेंगे उतनी उम्मीदें उपेक्षाएं आपसे बढ़ जाएंगी। अगर आप छोटा मोटा कुछ करना चाहते हैं छोटे दर्जे का, तो फिर आपको विलंब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप हाँ बांग्लादेश के दर्जे का करना चाहते हैं, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं कि अगर आप समय, लेकिन देश को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला मैं आपके पास हूँ, उससे पहले एसडी मुनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एसडी मुनी साहब, उसके बाद प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूँ। मैं सिर्फ एक सेंटेंस जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरे ट्विटर पे राहिल शरीफ का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हमारा उरी, हमारा नहीं कहा, उरी ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि उसने कम से कम हिंदुस्तान को सार्क से निकाल दिया। ये राहिल शरीफ ने कहा है। तो देखिए पाकिस्तान का जो नज़रिया है इस सारे कवायद पे जो हम लोग कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो पंडित जी ने कहा, सुशील जी ने कहा, हाँ जो सुशील पंडित ने कहा। प्रेम शुक्ला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ उस भाषा में बात करिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, समझ आती है? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, जनरल राहिल शरीफ को समझ आती है? यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग शरीफ। निश्चित तौर पर उनकी जब हम वैश्विक घेराबंदी कर रहे हैं तो सही शरीफ को सही संदेश दिया जाना ये राष्ट्रीय आवश्यकता है और भारत सरकार उसके प्रति जो है सचेत है और उनको सही समय पर सही जगह पर सही जवाब दिए जाने के। लेकिन प्रेम शुक्ला एक बात तो और देखिए ना, प्रेम शुक्ला जब आप कहते हैं कि सार्क में हमने आइसोलेट कर दिया, सेना को भी जो है सर सुनिए, उस संदर्भ में संकेत दिया गया। जब आप कहते हैं कि सार्क में हमने आइसोलेट कर दिया, स्टेटमेंट है हम उनको जो सर साहब, जब आप कहते हैं सार्क में हमने आइसोलेट कर दिया, देखिए तो सार्क में आइसोलेट कैसे हुए? चार देश तो अभी भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। होता यह कि पाकिस्तान अलग रहता और साथ आपके साथ आप अलग होते तो समझते कि पाक आइसोलेट हो गया। वो भी भाग खड़े होंगे, बहुत दिन की बात नहीं है। वो भी भाग खड़े होंगे, उसकी भी चिंता ना करें। सार्क में तो ऐसी स्थिति थी कि पाकिस्तान आप सुरक्षा परिषद में जा रहे उसका विरोध करने खड़ा हो जाता था। तो पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है कि उसने जो उस्मा बिन लादेन को मारने के लिए जिस नहीं, आप तो सुशील पंडित को सुना होगा, वो कह रहे हैं आप आइसोलेट करने का मतलब है पाकिस्तान को बाहर करिए, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? तो पाकिस्तान क्या कर रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, हम पाकिस्तान को कैसे जो दबोच सके ये महत्वपूर्ण है। और दबोचने की प्रक्रिया प्रारंभ है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन उसको दबोचा जाना सुनिश्चित है। आप तो आप पे बड़े आरोप लग रहे हैं सर। प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं? प्रियंका, समय गौरव जी 5 साल का भी नहीं लगेगा, वो समय लगेगा। सुशील पंडित जी की बात को, सुशील पंडित जी की बात आगे बढ़ाना चाह रही हूं। बोलिए। देखिए मैं ये बात करें एक घाव दो टुकड़े ये सब की, मैं सुशील पंडित जी की बात को आगे बढ़ाकर बस ये कहना चाहूंगी कि अगर उनको सार्क सम्मेलन को ही लेकर जवाब देना था तो ये जो भी देश बॉयकॉट कर रहे हैं, एक पैरेलल समिट क्यों नहीं न्यू दिल्ली में रख लेते हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं एक पैरेलल समिट रखते हैं और कहते हैं नो कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एज बीइंग अ मेंबर नेशन। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, एक तरफ राहिल शरीफ का स्टेटमेंट आ रहा है, एक तरफ महबूबा मुफ्ती जो इनके अलायंस पार्टनर है वो कह रही है कि सार्क का बॉयकॉट करना दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाने की जरूरत है। तो इसी में दिखाई देता है किस तरीके से हम पाकिस्तान को घेरने की बजाय हम खुद घेरे जा रहे हैं। इस पे ध्यान रखना प्रधानमंत्री। चलिए हो सकता है आपका सजेशन शायद प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा हो प्रियंका, और ऐसा कुछ हो तो आपका बड़ा योगदान रहेगा, लेकिन मैं प्रेम शुक्ला से जवाब लेता हूं इस बात का, फिर सुशील पंडित जी आपके पास आता हूं, तो ये ध्यान देना जरूरी है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुशील पंडित अब आपके पास ही आ रहा हूं। हर लोकतांत्रिक दल को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का मत व्यक्त करता रहा है और शेख अब्दुल्ला को जेल में रखकर सीधे पंडित नेहरू जी के मकान में भी रखा गया है, फिर जेल में रख दिया गया है। राष्ट्र की जो आवश्यकता होगी उसकी उसको जो है राष्ट्रीय हितों के से किसी प्रकार का समझौता किए बिना हम पाकिस्तान के साथ व्यवहार रखेंगे। उसके आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने के लिए नहीं, प्रेम शुक्ला जी आप बार बार जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम करेंगे ठीक है, लेकिन सुशील पंडित जो कह रहे हैं उस बात को समझ रहे हैं आप? जन आक्रोश, आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। आप सुशील पंडित ने जो कहा उस बात को आपने समझा? जन आक्रोश बहुत बड़ा आरोप है ना कि एक एक समुदाय एक एक राष्ट्र
पूरे राष्ट्र को जो है इस बात पर आक्रोश है कि हम लगातार हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं निर्दोष और हम सिर्फ उस पर बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई की दिशा में पहल हुई है और कार्रवाई होगी। मैं यही कह रहा हूं, आप कह रहे कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? नहीं नहीं, कार्रवाई कार्रवाई से होना, कार्रवाई होना दो अलग चीज है। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील पंडित नहीं, वो मन 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 और मन और अनमन होना ही है, उनका मूल्यांकन किस आधार पर है वो वही जाने। नहीं नहीं प्रेम जी, मैं उसका आधार बता देता हूं। जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, जब कुछ स्वयं करने की स्थिति में नहीं थी, तब भाजपा के नारों पर, भाजपा के भाषणों पर, भाजपा के कार्यक्रमों पर पूरे देश ने आस्था व्यक्त की और उसे पूर्ण बहुमत दिया। तब उससे कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी जितनी कि उसकी तेवर, उसकी उसकी भाव और भंगिमा की और उसकी तत्परता ने विश्वास दिलाया था। आज जब करने का समय आया है, हमें उनमें वो उनके शब्दों में, उनकी भाव भंगिमा में, उनकी तत्परता में वो चपलता नहीं है, वो बिजली नहीं है, उनका क्रोध जो है वैसा गर्म नहीं है जो कि होना चाहिए था। ये दिक्कत है। नहीं, लेकिन सुशील पंडित जब प्रधानमंत्री कहते हैं रैली में, अपनी दिक्कत नहीं आ रही, सुशील पंडित जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं की रैली में कहते हैं कि हम ग्लोबली आइसोलेट कर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया, कृपया जवाब सुन लीजिएगा। बोलिए, 31 वर्षों का हमारा सार्क का इतिहास है और बारंबार 26/11 हो जाने के बाद भी हम सार्क में सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ाने की पैरवी करते बैठे रहे। आज हम सार्क में कह रहे हैं हम तुम्हारी आर्थिक घेराबंदी कर देंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर जो अफगानिस्तान आपके साथ नहीं था, जो बांग्लादेश आपके साथ नहीं था वो खड़ा है। मालदीव जो आपको आंखें दिखा रहा था वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। भूटान आपके साथ खड़ा है। नेपाल अध्यक्ष होने के नाते टेक्निकली जा रहा है, उसको घेराबंदी की जा रही है। लेकिन जो किसी को लगता है तत्काल हो जानी चाहिए तो उसमें थोड़ी सी देरी है। आपकी एक सामान्य नागरिक की, बुद्धिजीवियों की जो है चिंता, वो स्वाभाविक है और वो प्रशंसनीय है। प्रेम जी, प्रेम सरकार जो है सही वक्त पर राष्ट्र के हित में निर्णय लेते हुए सही कार्रवाइयां कर रही है। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, कार्रवाई बता रहा हूँ। कार्रवाई दिखाई दे रही की आवश्यकता है। तत्काल जो है जो आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है, कार्रवाई जब दिखेगी, मैं आ रहा हूँ जनरल बख्शी, आ रहा हूँ। कार्रवाई जब दिखेगी तो सबको दिखेगी, उसे ना बताना पड़ेगा ना जतलाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपको भी दिखेगी, कार्रवाई दिखती है पंडित जी, आपको भी दिखाई देगी, कोई चिंता नहीं। निश्चित तौर पर एक सामान्य नागरिक के हित में कार्रवाई आवश्यक है और वो हो रही है, उसका परिणाम ठीक है। प्रेम शुक्ला एक मिनट, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले सुशील पंडित की बात पूरी हो जाए, फिर मैं जनरल बख्शी आपको बता रहा हूँ। जनरल बख्शी, सुशील पंडित अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। प्रेम जी जी हाँ, जो देश जिस तरह आतंक से, हिंसा से पीड़ित हो, उस देश के अंदर जिस गुस्से की, जिस तत्परता की आवश्यकता है, जिस वोल्टेज की आवश्यकता है, जिसकी भाषा में, जिसके शब्दों में, जिसके आग्रह में, संकल्प में वो दिखना चाहिए, वो नहीं है। शुक्ला जी, जनरल बख्शी, मैं प्रेम शुक्ला से आपकी बात का जवाब लेता हूँ। इसलिए देश पा रहा है कि अपना मूल्यांकन है। नहीं, एक मिनट, मैं ये आप मूल्यांकन ठहरा सकते हैं, लेकिन के नाते आपको फीडबैक दे रहा हूँ। हाँ, एक फीडबैक, एक फीडबैक, सिर्फ फीडबैक दे रहा हूँ। एक फीडबैक देश के सैनिक से भी ले लेते हैं सर। जनरल बख्शी, जो सुशील पंडित कह रहे हैं वो आपको आपको भी भाई महसूस होता है, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। जनरल बख्शी प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, शुक्ला जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पंडित जी जो हैं वो आपके बड़े भारी शुभचिंतक हैं। हम लोग आपके शुभचिंतक हैं, हमने आपको वोट दिया कि आपकी सरकार आए और ये बीड़ा उठाए पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी 100% इजाफा होगा जिस दिन आप जो है मिलिट्री एक्शन, फौजी एक कार्रवाई का फौजी भाषा में जवाब दें। ये अभाव थोड़ा अब चिंता का विषय हो रहा है। ठीक है, एसडी मुनी कुछ कह रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला आता हूं के पास। मैं सुशील पंडित जी को जो बात है उस पे वजन देने के लिए पठानकोट याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये कुछ ही महीने पहले की बात है। पठानकोट हुआ और पठानकोट पे जैसा जवाब गया उसी से मुझे लगता है कि लोगों की आस्था हिल गई है और यही वजह है कि इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है,
प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, फिर प्रियंका आपके पास आता हूं। नहीं, इन, इन सवालों से देश निश्चित तौर पर मुक्त होगा, जवाब दिया जाएगा, जवाब दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ है। नहीं, लेकिन वो पूछ रहे कब तक और कैसे, ये निरा सरकारी जवाब है। देखिए, मैं अभी तक जो है सेना का और सरकार का जवाब देने का अधिकारी नहीं हूँ। नहीं, आप सरकार का जवाब नहीं, आप इस देश को जनता के प्रति जवाब दे। सुशील पंडित, आप संतुष्ट हैं के जवाब से जो कह रहे हैं? जन भावनाओं का आदर करना, नहीं, जन भावना एक जन भावना का तो आप जो मेरा निजी आकलन बता रहे हैं उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। हाँ, बोलिए सुशील पंडित। गौरव जी, मैं प्रेम शुक्ला जी की सीमाओं से भी परिचित हूँ, उनको जिन मर्यादाओं का पालन करना है उससे भी परिचित हूँ, इसलिए अपने प्रश्न का आग्रह बार बार नहीं करूंगा। ठीक बात है, ठीक बात है।